अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि विंडोज 11 किस तरीके से सपोर्टेड सिस्टम में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में सपोर्ट नहीं कर रही विंडोज 11। ऊपर लिखा हुआ है कि मेरा सिस्टम मीट नहीं कर सकता जो रिक्वायरमेंट्स है। तो इसका फैक्टर फेक क्या है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर किसी बूटेबल के लिए USB बनाने के लिए और जो ब्रेजर डॉट डी एल वाली फाइल होती है उसके तो बेहतर है आप विंडोज 11 का जो डाउनलोड करें उसको माउंट कर लें। मैंने माउंट किया हुआ है, तो आपको जस्ट माउंट पर क्लिक करना है और उसको ओपन करेंगे। एक बार आप खुद भी टच करके देख लें। सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास थोड़ा सा वो जो है लोडिंग करने के बाद आपको बता देगा कि भाई आपका जो लैपटॉप है या सिस्टम है वो एलिजिबल नहीं है विंडोज 11 के लिए। बहुत सारे लोग इसका जो है ना फाइल्स को जो है ना विंडोज 10 के हवाले से चेंज कर देते हैं, वो भी एक वे आउट है। लेकिन ये सबसे एक आसान तरीका है इसी सेटअप के अंदर रहते हुए इसको चेंज करने का। तो ये हमारे पास जैसे एरर शो करती है कि भाई ये मसला मसाला है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सोर्स में जाएंगे। सोर्स में जाने के बाद एक हमारे पास होता है ये सेटअप रैप, ये एक ऑप्शन है। इसके साथ हमने क्या करना है ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके थ्रू हमने इंस्टॉल करनी है विंडोज 11। आपने इसका नाम देख लें, इसका पाथ देख लें, आपने और कुछ नहीं करना। हम सिंपल CMD खोलेंगे अपना और CMD पे छोटी सी कमांड्स हैं, कोई बहुत लंबी नहीं है। जिसमें सबसे पहले आप रूट पे आ जाएंगे, रूट फोल्डर पर। फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि आपने ई ड्राइव में जाना है, क्योंकि मेरी माउंट हुई है ई ड्राइव में। ई ड्राइव में जाना है और जो सोर्स का फोल्डर है इसके अंदर जाना है। तो आप जो है डायरेक्ट ई लिख के भी जा सकते हैं या फिर CD करके और स्लैश यूज करके आप सोर्स में भी जा सकते हैं। इस तरीके से ये आपको शो किया। इसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ जो URL आ रहा है आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं और उसको वहाँ पे CD के बाद लिखेंगे तो डायरेक्ट वो आपके इस फोल्डर में लेके आ जाएगा। अब हम इस फोल्डर में आ गए। इसके बाद एक हमारे पास एक छोटी सी जो है ना वो है जो कि ये हमने नोट पैड पर लिखी हुई है, जिसका है सेटअप रैपको डॉट ई एक्स ई फाइल है। स्पेस दे के फॉरवर्ड स्लैश दे के हम जो है इसको प्रोडक्ट सर्वर कर देंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करेंगे। जैसे हमने पहले सेटअप चलाया था उसने हमें लोडिंग करने के बाद मना कर दिया था कि हम जो है नहीं एलिजिबल है। तो अब आप देखें इसमें आपको कहीं भी किसी भी जगह पे वो एरर नहीं देगा। यह भी लोडिंग कर रहा है, करते करते जो है आपको फिर आपके उस पर ले जाएगा कि आप जो है इसको इंस्टॉल कर लें, अपने डाटा को रखना है रखें, पूरा फॉर्मेट करना है फॉर्मेट कर दें, या फिर जो है कुछ भी नहीं रखना। सेटिंग्स वगैरह ये ऑप्शन देता है भी आपको, थोड़ा सा टाइम में भी आपको शो हो जाएगी ये चीज़। तो ये सबसे दो क्यूरी लाइन्स का जो है CMD के ऊपर की एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप विंडोज 11 अपने अनसपोर्टेड में कर देते हैं। जैसे देखें इसमें आपको ऑप्शन देखिए जो एक विंडोज सेटअप में देता है, अगर आपको एलिजिबल होता PC रिक्वायरमेंट के तो जस्ट आप नेक्स्ट करेंगे तो ये जो है आपकी अपडेट्स को डाउनलोड करना शुरू करते हैं। इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।